Dear student, this is your computer subject. There are total 9 chapters in your book. First and syllabus are chapter 1st and chapter 2nd. Now today we are going to start our first class and chapter name is about of computer and topics computer, characteristics of computer, memory and computing system. Okay, now next we will start first topic. The topic is what is computer, definition of computer, what is computer. Okay, so now start. First definition, a computer is normally considered as calculating machine that can perform arithmetic operation at a very high speed. Means computer एक calculating machine है जो सभी प्रकार की गणनाएं तेज गति से करने में सक्षम है. मतलब वो बड़े से बड़े काम बहुत ही स्पीड के साथ में, तेज गति के साथ में कर सकता है. ओके, नाउ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज प्रोग्राम टू कौन कौन से काम कर सकता है. उसके काम करने की क्रिया क्या होती है, वो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट डेटा करता है. हमारे द्वारा दिए गए जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को स्वीकार करता है, लेता है. उसके बाद में उन पर कार्य करता है. प्रोसेस द डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन, उन इंफॉर्मेशन पे कार्य करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है और हमें आउटपुट देता है. उसके बाद में जो हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है अपने पास में स्टोर भी करता है. तो ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशंस और उसके काम करने का तरीका. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटिंग सिस्टम. कंप्यूटिंग सिस्टम CU plus peripheral devices equals to computing system means CU होता है central unit या control unit, जिसे हम CPU भी कहते हैं. plus peripheral devices मतलब जो हमारे devices होते हैं जिनको हम CPU के साथ add करते हैं, like monitor, keyboard, mouse, printer, speaker. तो इन सब को जब add करके जब एक पूरा system ready करते हैं वो system कहलाता है computing system. जो CPU के साथ में जो peripheral devices add करके जो system ready होता है वो होता है computing सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं. तो हम विशेषता में सबसे पहले पढ़ते हैं स्पीड. स्पीड होती है कंप्यूटर के काम करने की गति. मतलब कंप्यूटर कितनी स्पीड से बड़े काम हो वो भी बड़ी स्पीड के साथ में कर सकता है. बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, बड़े से बड़े डेटा को स्टोर करना, सब कुछ बड़ी स्पीड के साथ में कंप्यूटर कर सकता है. नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी. मतलब शुद्धता. कंप्यूटर अपने काम बड़े शुद्धता के साथ करता है, उसमें कोई गलती नहीं करता. उसकी कुछ भी गणना या कुछ भी कैलकुलेशन में कभी कोई गलती नहीं होती. उसके बाद में आता है डिलीजेंस. डिलीजेंस में कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. मतलब कंप्यूटर जो भी काम करता है वो स्पीड से भी करता है, शुद्धता के साथ करता है. और कंप्यूटर कितने घंटों तक कंटिन्यू काम करता रहेगा, 10, 12, 24, लेकिन वह थकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं. उसके बाद में आता है वर्सेटाइलिटी. इसके अंदर कंप्यूटर बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है. जैसे कि हम प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, हम कंप्यूटर में एक तरफ सॉन्ग भी सुन रहे हैं या दो फाइल पे एक साथ वर्क कर रहे हैं. तो एक साथ बहुत सारे काम कंप्यूटर कर सकता है. उसके बाद में आता है रिलायबिलिटी. इसके अंदर कंप्यूटर, इसका मीन्स कंप्यूटर विश्वसनीय तरीके से वर्क करता है. मतलब हमें कंप्यूटर पर पूरा विश्वास रहता है कि वो सही काम करेगा, हमारी फाइल सही जगह पड़ी है, सुरक्षित पड़ी है, सेफ पड़ी है. तो मतलब विश्वसनीय तरीके से कंप्यूटर काम करता है. ऑटोमेशन मतलब कंप्यूटर कुछ काम स्वतः भी करता है, अपने आप करने का जो उसका तरीका होता है उसे ऑटोमेशन बोलते हैं. लाइक बूटिंग करना या कुछ फाइल को वापस बैकअप करना, रेडी करना, ये सारे काम ऑटोमेशन में आते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी. मेमोरी मीन्स कंप्यूटर का दिमाग. कंप्यूटर के पास बहुत अच्छा दिमाग होता है, बहुत अच्छी मेमोरी होती है. उसमें बहुत सारी फाइलें हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत सालों तक कर सकते हैं. वो फाइल्स लॉस नहीं होती जब तक हम कंप्यूटर से खुद उसको निकाल ना दें. तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर अपनी फाइलों को सेफ रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है.
नाउ ये कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं थी जो जो मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वहाँ मैंने कुछ फुल फॉर्म्स डाले हैं। नेक्स्ट जो है वहाँ मैंने कुछ फुल फॉर्म्स लिखे हैं, तो आपको ये फुल फॉर्म्स, ये डायग्राम, ये डेफिनेशन सब अपनी एक नोटबुक में, कोई भी नोटबुक में आप इसको राइट डाउन करेंगे, आप इनको लर्न भी करेंगे। ओके, थैंक यू।